नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में लोगों में गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। उसका जो झलक है वो हमें दिल्ली के क्राइम रेट पर साफ देखने को मिलता है। जी हाँ, दिल्ली में आए दिन मर्डर, रॉबरी ऐसे केसेस तो आते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के द्वारका के बिजवासन गाँव में, जहाँ पर सिर्फ 4,000 रुपये के पीछे जो है मारपिटाई का मामला सामने आया है। देखिए, यहाँ पर एक शख्स जिनका नाम कुलदीप शर्मा बताया जा रहा है, उनका इस गांव में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और उन्होंने करीब 11 महीने पहले किसी को अपनी गाड़ी जो है किराए पर दी थी। उसका किराया जो है वो 15,000 के करीब था और जिसने गाड़ी किराए पर ली थी उन्होंने उसमें से 4,000 रुपये कम दिए थे। अब 11 महीने बाद जिसने गाड़ी किराए पर ली थी पहले, उन्होंने वापस से गाड़ी एक और किराए पर मांगी। इस पर जब पीड़ित कुलदीप शर्मा ने ये बोला कि उनके पिछले 4,000 रुपये जो है वो बाकी हैं, तो उन्हें पहले अगर वो लौटा दें तब वो दूसरी गाड़ी ले जा सकते हैं। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए रात के समय वो अपने भाई के साथ जो है उनके ऑफिस पर आ पहुँचे और अपने साथ जो है दो साथियों को भी लेकर आए। वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने सीधा सीधा जो है पीड़ित के साथ मारपिटाई शुरू कर दी और उनके ऊपर डंडों से हमला कर दिया। देखिए, जो पूरा मामला है वो द्वारका सेक्टर 23 के पुलिस थाने में गया है और फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुटी है और आरोपी जो है वो भी पकड़े नहीं गए हैं। हम आपको बता दें, कुल 4 लोग जो हैं वो कुलदीप शर्मा को मारने पहुंचे थे उनके ऑफिस में। उसके बाद जो हम उनके ऑफिस भी गए थे, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर ज़रूर देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर वो 4 लोग पहुंचे थे और उन्होंने जो है कुलदीप शर्मा की बुरी तरह से पिटाई की थी। फिलहाल कुलदीप शर्मा जो है वो अभी फिलहाल अपने गाँव गए हुए हैं और हमें यहाँ पर जो है वो मिले नहीं। तो आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की हरकतें जो हैं वो कब तक चलती रहेंगी, कब तक लोग जो है अपनी गुंडागर्दी दिखाते रहेंगे, कब तक जो है दिल्ली का क्राइम रेट इसी तरह बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।